हम हौसला करके समुद्र में क्या उतरे, तूफान पल भर में कश्ती मिटा गया। जरा गौर फरमाइएगा शर्मा जी, हम हौसला करके समुद्र में क्या उतरे, तूफान पल भर में कश्ती मिटा गया। अरे मिटा गया तो मिटा गया, कुछ हमको बचे हुए तिनके मिले, ये लो हौसला फिर से आ गया। जब एक मिडिल क्लास बाप कर्ज में डूबता है ना, तो बस एक ही सवाल पूछता है, पता नहीं मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी। परेशानियां सिर्फ मरने के बाद खत्म होती हैं साला। आपके पिताजी बैंक डिफॉल्टर हैं, आपको स्टडी लोन नहीं मिला, तो उसमें कॉलेज की क्या गलती है? जब पढ़ने की हैसियत नहीं थी तो यहाँ पर क्यों आए? बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? तो जब टूल इंजीनियरिंग यहाँ ब्लैक बोर्ड पर चल रही है, वहाँ शाइन को क्यों घूर रही हो फूल? नवीन का भी कितना? 90,000। इतना सब कुछ उधार लेकर बैठा है, कौन सा इडियट है जो अपने पॉकेट से तेरे को पैसे देगा? ये शौर्मा का भी घर पर मिलता नहीं, फोन उठाता नहीं, एक्वामी की कोरी। 26 तारीख याद है ना? पैसे वैसे की जुगाड़ हुई है अभी, वही अंठन गोपाल। जुगाड़? वो तो और पैसे लेने की जुगाड़ घूम रहा है। उसका बड़ा बेटा है ना वो नवीन, उसकी कॉलेज की फीस भरने की लास्ट डेट चल रही है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना शाहीन, तब तुम 10 साल की थी, पर देखते ही समझ गया था कि तुम वही लड़की हो जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। बन जाने दे या मिट जाने दे, तेरी मोहब्बत में रम जाने दे। सबको लगता है कि आप लोगों का पैसा खाकर शहर छोड़कर भाग जाएंगे। परसों तक का टाइम देता हूं तुझे मैं, मुझे मेरा पूरा पैसा मेरे घर पर चाहिए। इस बार कोई पोपट की ना बेटा, तो गुप्ता जी से पूछे बिना ही ये चाकू सीधा तेरे पेट में डाल दूंगा। जब फैमिली एक साथ मिलकर लड़ती है तो कहानियां खत्म नहीं, शुरू होती हैं।